ये 18 घंटों तक हम पढ़ते हैं फिर वो सीए बन जाते हैं यार आप। बिल्कुल सर, वो सीए जिसके सपने देख रहे होते हैं लोग, भारत के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक होता है वो। बिल्कुल, ये मतलब ये बड़ा झटका होगा घर वालों के लिए। तो शुभम उस पर्टिकुलर टाइम में घर वर से भाग गए थे क्या? भागा नहीं सर। तो कैसे फेस कर रहे थे मम्मी पापा? घर में कितने लोग? घर में 2 भाई हैं और अच्छा, मम्मी पापा हैं। तो भैया को मम्मी पापा को कैसे फेस कर रहे थे? और सबसे ज्यादा पड़ोसियों को साहब, पड़ोसियों रिश्तेदारों को। हाँ, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं जी। बिल्कुल, पहले दिन जिस दिन पहुंचे कॉलेज, क्या किया उस दिन? तो वो क्या करता है बेचारा, 250, 300 और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करके राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचता है। ठीक है, वहां पे वो पूछता है राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है, ऑटो वाला ले जाके छोड़ता है, फिर 2-3 घंटे इधर उधर भटकता है, फिर वो पूछता है कि एडमिशन लेना है मेरे को, किस तरह से एडमिशन। तो सुबह से शाम का ड्यूरेशन सिर्फ ये पूछने में लगा देता है कि भाई एडमिशन किस तरह लेना है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक ऐप डेवलप किया। ऐप डेवलप किया जी, बिल्कुल। और कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जाइए तो मैं कह दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, चेक कर लीजिएगा साहब वो ऐप है या नहीं है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स मेरे को लीडर जब बोलेंगे, जब उनकी जो धरातल की समस्या है वो मैं सोल्व कर पाऊंगा। कितना सोल्व हुआ अभी तक? कभी कोई धमकी, फोन कॉल, ये टेबल ठोकेंगे, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी? तो आप ऐसा कुछ नहीं करते क्या? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं ये करता। कैसे संभव है शुभम? उन बच्चों से किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? किस चीज के? मोबाइल और बैग रखने के, जो सबसे नेसेसरी थिंग है। मोबाइल और बैग्स के पैसे? हाँ, जो कहाँ रखे जाते हैं कॉलेज में से बताइए क्या है पूरा मामला? तो कॉलेज वाले बोलते हैं बेटा बैग फ्री में नहीं रख सकता तू, तेरी कॉलेज में तू पैसे दे मेरे। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कहते हैं? कॉलेज प्रोफेसर। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कर चुका हूँ सर इस चीज। शराब पीते हैं आप? शराब पीते हैं आप? कि आप चाहते हैं कि बगैर पोस्टर के राजनीति हो, कैसे संभव है? बिल्कुल, ये आपका सवाल नहीं है, ये कई लोगों के ऐसे सवाल मेरे पास आ गए। 7,000-8,000 गर्ल्स हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के शुभम क्या सोचते हैं? तो जब आप नहीं करते तो फिर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कैसे फ्री हो, नशा मुक्त कैसे हो, इसको लेकर के शुभम कुछ सोचते हैं? शुभम समर्थक है कोई, वो कुछ गलत कर देता है? जब ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि नेताओं के जो समर्थक हैं वो उनके नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, और फिर अपने नेताजी को फोन लगाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, छूटने का प्रयास करते हैं, उनके नाम पे ना जाने क्या कुछ कर रहे होते हैं। शुभम समर्थक भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में? सर 25,000। पूरे 25,000 हो सकता है देख रहे हैं वो? बिल्कुल। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको फोन लगा सकते हैं सर? प्रेम हुआ है कभी? नहीं सर, ऐसा इन चीजों से दूर है। अच्छा, इससे दूर है जी सर। तो क्या गलत मानते हैं? तो आजकल ऐसा है, छात्र मेरे लिए टिफिन लाते हैं घर से बढ़ा के। अच्छा। हाँ, छात्रों की मम्मी पूछती है तू 10 पराठे लेके कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है भैया है कॉलेज में, वो हमारी मदद करते हैं। तो पिछले 2 महीने से तो ऐसा हो रहा है कि मैं जब निकलता हूँ उसके बाद अलग अलग कॉलेजों से फोन आते हैं, आज भैया टिफिन में लाए हो, आज हमारे साथ आपको खाना खाना है। यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शन तो हुए नहीं? जी बिल्कुल। कब से नहीं हुए? 2 साल से नहीं हो रहे। अच्छा, तो होंगे तो किस पार्टी से लड़ोगे? साफ सफाई करवाई यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल। 7 दिनों तक लगातार जी। शराब की बोतलें भी कहीं मिली? कुछ ऐसी चीजें मिली, मादक पदार्थ की रैपर्स वैपर्स कुछ मिला? ऐसे तो मिलते रहते हैं सर, अभी मिली सफाई के दौरान हमें, तो हमने ये भी चाहा कि भाई स्टूडेंट्स में ये रुकना चाहिए, इसको लेकर कुछ सोचना रुकना चाहिए।